So in the last class we saw the physical structure or model of the waveguide, horn antenna and transmission line. So recall that ki transmission line is nothing but it's a two conductor system and waveguide is nothing but it's a single conductor system. Transmission line kya karta hai? VI वेव को गाइड करता है और ट्रांसमिशन लाइन क्या है? एक गाइडिंग स्ट्रक्चर है. इसी तरीके से वेव गाइड भी क्या करता है? EH वेव को गाइड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वाली वेव को गाइड करता है. ये भी कैसा है? गाइडिंग स्ट्रक्चर है. दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है, इट्स अ सिंगल कंडक्टर सिस्टम, इट्स अ टू कंडक्टर सिस्टम. वेन वी फ्लेयर द ट्रांसमिशन लाइन, तो आप देखिए ट्रांसमिशन लाइन पे यदि मैं इसको फ्लेयर करूँगा तो एट एवरी पॉइंट द इम्पीडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन विल चेंज. अच्छा, तो दैट सेक्शन इज ऑल्सो नोन एज इम्पीडेंस ट्रांसफार्मर एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंटीना. मतलब क्या बात समझ में आई कि वेन वी फ्लेयर द स्ट्रक्चर और मॉडिफाई द स्ट्रक्चर देन वी कैन गेट द रेडिएटिंग स्ट्रक्चर. ट्रांसमिशन लाइन कैसा स्ट्रक्चर था? गाइडिंग स्ट्रक्चर था और आपने इसको फ्लेयर किया तो इट हैज़ बिकम नाउ रेडिएटिंग स्ट्रक्चर. अच्छा, इसको कम्प्लीटली फ्लेयर कर दीजिए, 90 डिग्री इधर घुमा दीजिए, 90 डिग्री इधर, देन यू कैन गेट अ एंटीना दैट इज़ नोन एज डाइपोल एंटीना. इन सेम फैशन कि ये भी क्या है? गाइडिंग स्ट्रक्चर है. इफ़ यू फ्लेयर द माउथ ऑफ द दिस वेव गाइड, इस माउथ को फ्लेयर कर दीजिए, देन यू कैन गेट द दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज हॉर्न एंटीना. ये क्या है? वेव गाइड है. ये कैसा स्ट्रक्चर है? गाइडिंग स्ट्रक्चर. ये क्या है? हॉर्न है और ये कंप्लीट सिस्टम क्या कहलाता है? हॉर्न एंटीना का कहलाता है. अच्छा, यहाँ पे क्या बात समझ में आई कि एक कंक्लूजन समझ में आया कि इफ़ यू मॉडिफाई द गाइडिंग स्ट्रक्चर और फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द गाइडिंग स्ट्रक्चर इफ़ यू मॉडिफाई देन वी कैन गेट द रेडिएटिंग स्ट्रक्चर. ओके, सो लेट्स. अच्छा, दिस एंटीना, हॉर्न एंटीना वॉज इन्वेंटेड बाई जेसी बोस सर एंड फर्स्ट वी इन दिस लेक्चर फर्स्ट वी टॉक अबाउट व्हाट इज़ वेव गाइड. रिकॉल दैट कि वेव गाइड इज़ नथिंग बट इट्स अ गाइडिंग स्ट्रक्चर एंड इट्स अ सिंगल कंडक्टर सिस्टम. सो अब मैंने पिछले लेक्चर में क्या दिखाया था कि दिस इज़ द मॉडल ऑफ वेव गाइड एंड इन द दिस मॉडल रिकॉल दैट कि ये क्या है? जेड है एंड जेड एक्सिस को क्या कहते हैं? वेव गाइड एक्सिस भी बोलते हैं. एंड वट इज़ द लेंथ ऑफ द वेव गाइड इन द जेड डायरेक्शन. ये क्या है? ये वेव गाइड वेव्स को गाइड करेगा अलॉन्ग द जेड डायरेक्शन. तो एजम्पशन क्या मानते हैं कि इन द जेड डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, द लेंथ ऑफ द वेव गाइड मस्ट बी इनफाइनाइट. अच्छा, ये देखिए, ये जेड डायरेक्शन है. तो रिकॉल दैट कि आपने ऐसा कुछ बताया था, मैंने कुछ ऐसा बताया था कि दिस इज़ योर जेड एक्सिस, दिस इज़ योर वाई एक्सिस एंड दिस वन इज़ योर एक्स एक्सिस. तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस से मिलके बनने वाला प्लेन क्या कहलाता है? एक्स वाई प्लेन. देखिए, क्या ये एक्स वाई प्लेन जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है? बिल्कुल है. तो इसी एक्स वाई प्लेन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स प्लेन भी कहते हैं. अच्छा, वेव गाइड रिकॉल करिए, वेव गाइड कैसा है? सिंगल कंडक्टर सिस्टम है. देखिए, ये टॉप है, ये इसका साइड, ये बॉटम, ये भी साइड है. तो चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये भी एक वेव गाइड है. देखिए, वेव गाइड में क्या है? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है. दिस एक्सिस इज़ नोन एज वेव गाइड एक्सिस. अच्छा, इस वेव गाइड एक्सिस को देखिए कि डायरेक्शन, एनर्जी का प्रोपोगेशन किस तरफ होगा? जेड डायरेक्शन की तरफ होगा. कैन आई से इट्स अ गाइडिंग स्ट्रक्चर? यस. ये ऑब्जर्वर है. ऑब्जर्वर यदि वेव गाइड को इधर से देखता है, अच्छा, ये फिर से मैं यहाँ पे मॉडल रखता हूँ और यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम भी मैंने रख दिया. ये कौन सी एक्सिस? जेड. ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस. ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है. ऑब्जर्वर किस प्लेन को देखेगा? इस वेव गाइड को यदि देख रहा तो ऑब्जर्वर को कौन सा प्लेन दिखेगा? एक्स वाई प्लेन दिखेगा. अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें एक नोटिस करिए कि वेव गाइड को मैंने कहाँ से फीड किया है?
इस वेव गाइड को कहाँ से फीड किया है, बॉटम से फीड किया है। तो देखिए ये यदि ये टॉप है तो इसका बॉटम ये देखिए ऐसा कुछ दिखेगा आपको। तो देखिए यहाँ पे एक सर्कल दिख रहा होगा आपको, तो ये क्या है, फीड पॉइंट है। तो ऑब्जर्वर को कौन सा प्लेन दिखेगा, एक्स वाई प्लेन दिखेगा। अच्छा इसके साथ साथ देखिए कि व्हेन वी फीड द वेव गाइड, तो फीड करेंगे यदि बॉटम से और ये ऑब्जर्वर इसको यहाँ से देख रहा, तो ऑब्जर्वर को कौन सा प्लेन दिखा, एक्स वाई प्लेन दिखा। इस डायमेंशन को क्या कहते हैं, देखिए इस डायमेंशन पे वेव गाइड ज़्यादा ब्रॉडर दिख रहा है, तो दैट डायमेंशन इज नोन एज ब्रॉडर डायमेंशन। ये डायमेंशन कौन सा डायमेंशन कहलाता है, नैरो डायमेंशन। तो ब्रॉडर डायमेंशन का लेंथ कितना है, ए, नैरो डायमेंशन का लेंथ कितना है, बी। वेव गाइड को एक्साइट किया तो देखिए फील्ड एक कंडक्टर से निकला, दूसरे पे जाके टर्मिनेट हुआ। इसी तरीके से फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन करिए, यहाँ पे ये कॉर्नर पे फील्ड की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। यदि कभी भी फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाए तो मतलब ये बोलते हैं कि फील्ड क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। तो ये ऊपर वाली वॉल कौन सी होगी, टॉप। ये नीचे वाली वॉल कौन सी, बॉटम। ये कौन सी वॉल होगी, साइड वॉल। तो अच्छा देखिए इसका नेचर देखिए, इस फील्ड का यहाँ पे मिनिमम है, सेंटर पे मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। इस पैटर्न को दिमाग में रखना है। चलिए देखिए ये एक साइकिल है और हम ये बोलते हैं कि द लेंथ ऑफ वन साइकिल इज नोन एज वेव लेंथ। तो मैंने पूछा कि यहाँ हाफ साइकिल की लेंथ कितनी होगी, हाफ साइकिल की लेंथ कितनी होगी, हाफ ऑफ द वेव लेंथ। हाफ साइकिल की लेंथ कितनी होगी, हाफ ऑफ द वेव लेंथ। अच्छा हाफ ऑफ द वेव लेंथ को देखिए, इसमें क्या है, मिनिमम जीरो, मैक्सिमम और जीरो। हाफ ऑफ द वेव लेंथ का नेचर क्या है, यहाँ से देखिए जीरो है, मैक्सिमम है, फिर जीरो है। तो देखिए जीरो है, मैक्सिमम है, जीरो है। क्या ये हाफ वेव लेंथ जैसा है, हाँ है। ये हाफ वेव लेंथ किस लेंथ के अलॉन्ग मिल रहा है, अलॉन्ग द ब्रॉडर डायमेंशन। ये हाफ वेव लेंथ किसके अलॉन्ग मिल रहा है, अलॉन्ग द ब्रॉडर डायमेंशन, जीरो, मैक्सिमम जीरो। अच्छा ये हाफ वेव लेंथ जो है, ये जो ये हाफ ये लेमडा, लेमडा क्या है, एक लेंथ है। तो लेमडा बाई टू भी क्या होगा, एक लेंथ होगा। ये लेमडा बाई टू लेंथ है क्या, मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम, हाँ लेमडा बाई टू लेंथ है। क्या ये लेमडा बाई टू लेंथ ए के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। मतलब ए इज इक्वल टू लेमडा बाई टू लिख सकते हैं। एंड दैट मोड इज नोन एज ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड। वट इज़ एम, एम क्या बोलते हैं, एम को बोलते हैं हाफ वेव लेंथ वेरिएशन अलॉन्ग ब्रॉडर डायमेंशन। एन क्या कहलाता है, हाफ वेव लेंथ वेरिएशन अलॉन्ग नैरो डायमेंशन। तो आप देखिए ये कौन सी डायमेंशन, नैरो डायमेंशन। नैरो डायमेंशन के अलॉन्ग चलिए कोई वेरिएशन मिल रहा, नहीं। ब्रॉडर डायमेंशन के अलॉन्ग चलिए मिल रहा है वेरिएशन, बिल्कुल। तो इसलिए इस मोड का नाम क्या होगा, TE10 मोड। यदि इसका ये इस चीज़ इसको वेव गाइड को और पढ़ना है तो आप मेरा एक वेव गाइड का लेक्चर देखिए, मोड, हाउ टू आइडेंटिफाई द मोड इन द वेव गाइड। सो नेक्स्ट थिंग इज हॉर्न। तो हॉर्न स्ट्रक्चर भी देखिए, कई तरीके का हॉर्न होता है। हॉर्न का क्लासिफिकेशन देखिए, ये देखिए ये मैंने हॉर्न को, ये वेव गाइड है, वेव गाइड को नीचे से बॉटम से एक्साइट किया है। तो ये कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो आप देखिए क्या एक्स वाई प्लेन पे, याद करिए अभी पिछले पेज पे देखा था कि एक्स वाई प्लेन पे ऐसा कुछ फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सेंटर पे मैक्सिमम, फिर इन वॉल्स पे मिनिमम मिल रहा था। चलिए इस प्लेन का नाम क्या होगा, ट्रांसवर्स प्लेन होगा, है ना। ये एक्स वाई प्लेन जो है, ये एक्स वाई प्लेन जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल है। अच्छा इस हॉर्न का माउथ किस तरफ खोला, देखिए इस हॉर्न का जो माउथ है मैं किस डायरेक्शन पे खोल रहा हूँ, जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है किस डायरेक्शन पे है, वाई डायरेक्शन पे। देखिए इस हॉर्न का माउथ मैं किस डायरेक्शन पे खोल रहा हूँ, वाई डायरेक्शन की तरफ। इस हॉर्न का माउथ मैं किस तरफ खोल रहा हूँ, वाई डायरेक्शन की तरफ, या कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे। क्या मैं, मतलब ये मेरे कहने का मतलब यह है कि हॉर्न का माउथ का एक्सपेंशन, मैं एक्सपांशन किस डायरेक्शन पे कर रहा हूँ, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, वाई डायरेक्शन की तरफ है। तो यहाँ पे मैंने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है, वाई डायरेक्शन की तरफ है। और मैं इसका माउथ भी किस तरफ खोल रहा हूँ, वाई डायरेक्शन की तरफ खोल रहा हूँ। तो नाउ
जो एंटीना जो बनेगा दैट एंटीना इज नोन एज ई प्लेन सेक्टोरल हॉर्न। इसको क्या बोलते हैं, ई प्लेन सेक्टोरल हॉर्न। बेसिकली होता क्या, किसी भी वेव गाइड में होता क्या है, बेसिकली मोड्स का प्रोपगेशन होता है। देखिए यहाँ से आपने एक्साइट किया, तो सपोज दैट एक्साइटेशन पॉइंट है, ये एक्साइटेशन पॉइंट है। तो इस एक्साइटेशन पॉइंट पे देखिए फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इस एक्साइटेशन पॉइंट पे क्या हुआ, फील्ड का ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, सेंटर पे मैक्सिमम और यहाँ पे वेव गाइड की जो वॉल्स हैं उन पे, साइड वॉल्स हैं उन पे क्या है, मिनिमम है। देखिए मोड यहाँ पे शिफ्ट होके ऐसा आ गया। तो बेसिकली ये जो शेप है ये मोड का, ये इसको बोलते हैं मोड का शेप। ये मोड का शेप किस तरफ प्रोपोगेट हो रहा है, अलॉन्ग द जेड डायरेक्शन। देखिए मोड का शेप क्या होता है, प्रोपोगेट होता है, ये मोड का शेप है हाँ, किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है, जेड डायरेक्शन पे। क्या चेंज हुआ, नहीं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि मोड एक्चुअली में प्रोपोगेट होता है, मोड का शेप प्रोपोगेट होता है। अच्छा मैं एक चीज़ जो पूछना चाहता हूँ यहाँ पे, कि यदि वाई डायरेक्शन यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का है तो एक्स डायरेक्शन किसका होगा, मैग्नेटिक फील्ड का, और जेड डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन पे, वाई डायरेक्शन पे, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन पे, एक्स डायरेक्शन पे, जेड क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो चलिए ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जिस तरीके से मैंने हॉर्न इसका इसका जो माउथ है मैंने किस डायरेक्शन पे एक्सपांशन किया था, वाई डायरेक्शन पे, और वाई डायरेक्शन किसका डायरेक्शन था, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए आगे देखते हैं। अब मैंने इस सेकेंड फिगर में क्या किया, देखिए ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस। इस प्लेन का नाम क्या होगा, ट्रांसवर्स प्लेन। ये क्या है, ऊपर कंडक्टर है, कंडक्टर क्या, कंडक्टिविटी कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। वेव गाइड के अंदर क्या फील्ड होता है, या कि एयर फील्ड होगा, या कि एयर फील्ड होगा, या कि डाइलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो एयर की कंडक्टिविटी कितनी होती है, ज़ीरो, और एयर का परमिटिविटी और परमिबिलिटी कितना होता है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अच्छा देखिए वाई डायरेक्शन इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए मैंने इसका हॉर्न का माउथ किस डायरेक्शन पे खोला, एक्स डायरेक्शन पे खोला। तो माउथ ऑफ हॉर्न इज एक्सपांडेड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, और यू कैन से कि माउथ ऑफ हॉर्न इज एक्सपांडेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ यू कैन रियलाइज द डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीना दैट इज नोन एज एक्स प्लेन सेक्टोरल हॉर्न। इसको क्या बोलते हैं, एच प्लेन सेक्टोरल हॉर्न बोलते हैं। तो चलिए अब मेरा सवाल ये है कि अब मैंने दोनों डायरेक्शन पे एक्सपांड कर दिया, फिर से रिकॉल करिए कि वाई किसका डायरेक्शन था, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक्स किसका डायरेक्शन था, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था। अब मैं दोनों डायरेक्शन पे एक्सपांड कर दिया, दोनों डायरेक्शन पे फ्लेयरिंग कर दिया। नाउ वी कैन रियलाइज एंटीना दैट इज नोन एज पिरामिडल हॉर्न एंटीना। देखिए इस मॉडल को देखिए, दिस मॉडल लुक्स लाइक अ पिरामिडल हॉर्न। ये कैसा मॉडल है, पिरामिडल हॉर्न के जैसा है। तो इस तरीके से हम रियलाइज कर सकते हैं इसको। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि वेव गाइड क्या हमेशा रेक्टेंगल टाइप का हो सकता है, आंसर इज नो, वेव गाइड कैन बी सर्कुलर ऑल्सो। तो ये देखिए ये सिलेंड्रिकल ऑल्सो। तो ये कैसा वेव गाइड है, सिलेंड्रिकल वेव गाइड है। तो ये देखिए सिलेंड्रिकल वेव गाइड। अब इस वेव गाइड का यदि मैं माउथ एक्सपांड करूँ, यदि खोलूँ, तो ये कैसा वेव गाइड बनेगा, दैट वेव गाइड इज नोन एज कॉनिकल हॉर्न। मतलब ये जो वेव गाइड जो बन जाएगा वो एक कॉनिकल हॉर्न बन जाएगा। तो दैट इज़ नथिंग बट इट्स अ क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्न एंटीना। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी फेज, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फेज डिफरेंस, एंड व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ दैट फेज डिफरेंस, एंड फेज सेंटर, हाउ कैन वी डिसाइड द फेज सेंटर, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फेज सेंटर। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट, एंड वॉच माई नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।